हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सोनीज कॉर्नर. और मैं सोनी. फ्रेंड्स, आज हम पुराने फ्लावर्स को रिसाइकिल करेंगे. बहुत से ऐसे हमारे घर में फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, पुराने हो जाते हैं, तो हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं या रख देते हैं. तो उन्हीं को हम रिसाइकिल करेंगे और इससे हम पेंटिंग बनाएंगे. आर्टिस्टिक, बहुत ही आर्टिस्टिक पेंटिंग बनती है इसकी. तो वो प्रोजेक्ट है कि हम पुराने फ्लावर्स को रिसाइकिल कैसे करें. तो हमें इसके लिए सारे फ्लावर्स चाहिए होंगे, जैसे भी हों, किसी भी आकार के हों, उसको हम एडजस्ट, हमें एडजस्ट करना है. इसलिए कोई भी फ्लावर्स चलेंगे. तो पुराने आपके घर में जो भी फ्लावर्स हैं उनसे हम पेंटिंग बना सकते हैं. तो हमने ये फ्लावर्स लिए हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के हैं ये. तो उनको हम यूज़ करेंगे अपने पेंटिंग में. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो फ्लावर्स चाहिए, और हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा. कार्डबोर्ड चाहिए है. और इसके अलावा हमें ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी. कलर्स हमने यूज़ किए हैं, एक तो है ब्लैक और गोल्ड कलर है, और एक ब्राउन कलर है. तो ये ऑयल कलर्स हैं, नैरोलिक और ड्यूलेक्स के, किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं. ऑयल कलर्स हमने यूज़ करने हैं, और साथ में हमें ब्रशेस चाहिए होंगे कुछ. और चलिए अभी हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमें पेंटिंग बनाने के लिए कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. और ये हमने कार्डबोर्ड जो है वो कटिंग करके रखा हुआ है. इसका साइज़ है इधर से 16 इंचेस है, 16 इंच, और चौड़ाई है 11 इंचेस. ये हमने 11 इंच चौड़ाई ली है, और इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच की है. और ये हमने कार्डबोर्ड जो है वो दो जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं. दो कार्डबोर्ड हमें लेने हैं, 16x11 इंचेस के दो कार्डबोर्ड लेने हैं. और फेविकोल से हमने स्टिक कर देना है, वाइट ग्लू लगाकर उसको हमने स्टिक कर दिया है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये दो कार्डबोर्ड जो है उनको ज्वाइन किया हुआ है. तो इससे हमारी पेंटिंग जो है वो थोड़ी सॉलिड हो जाएगी, लिफेगी नहीं. और हमें अच्छे से कार्डबोर्ड जो है वो स्टिफ कार्डबोर्ड जो है हमें मिल जाएगा. तो हमें 16x11 इंच के दो पीसेस लेने हैं, और उनको हमें फेविकोल से स्टिक कर देना है. उसके बाद हमें एक ट्रायंगुलर पीस लेना है. ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमें ट्रायंगल काट देना है. इधर से छोटा है, और इधर से थोड़ा चौड़ाई में आ जाता है. इस तरीके का हमें एक पीस कार्डबोर्ड का काटना है, जो कि लेंथ जो है इसकी 12 इंचेस है. ये लेंथ 12 इंचेस है, और इधर से चौड़ाई 5 इंचेस है. और ऊपर से थोड़ा छोटा लेना है, और यहाँ पर हमें थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर लगाना है. तो हमें 3 इंचेस का लेकर इसको हल्का सा लिफ्ट करना है. तो 3 इंचेस जितना है उतना हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे, और ये हमारा स्टैंड बन जाएगा पेंटिंग का. तो ये भी कार्डबोर्ड से ही हमने बनाया है. ये ट्रायंगुलर पीस हमने लिया है, और 3 इंचेस लेकर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिफ्ट करना है, और 3 इंचेस तक हम ग्लू से इसको चिपका देंगे. तो यहाँ पर हमें सेम एक ही, ये देखिए, इन दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए. और यहाँ पर सेंटर में लेकर हमें, यहाँ पर सेंटर में लेकर हमें 3 इंचेस का ग्लू लगा देना है. तो हम यहाँ पर 3 इंचेस तक ग्लू लगाकर चिपका देंगे.
ये हमने सेंटर में रखा और यहाँ पर हमने स्टिक कर दिया इसको, और ये हल्का सा इसको लिफ्ट करना है। ये हमारा स्टिक हो जाएगा और ये हमारा स्टैंड बन जाएगा पेंटिंग का। और इसके बाद हमें फ्लावर्स जो है उसको तैयार करना होगा। ये हमें इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो अभी हमें फ्लावर्स लेने हैं, जो फ्लावर्स हमने इकट्ठे किए हैं उनको स्टेम से अलग कर देना है। ये सभी लीव्स को मैंने, ये देखिए फ्लावर्स की सभी पेटल्स को अलग कर दिया है। तो बाद में हमें इसको जॉइन करना है। इसके बीच में जितना भी प्लास्टिक का आता है वो सब निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे हम, और इसको लेकर हम फिर, ये देखिए ये पेटल्स को हमें फिर जॉइन करना है। ये वाइट ग्लू से हम हल्की सी वाइट ग्लू लगाएंगे, ये ग्लू लगाकर और यहाँ पर हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को स्टिक करके तैयार कर देना है। ये जैसे ये है, इसको हमें यहाँ पर रखा, थोड़ा सा ग्लू लगाया, और ये जो खाली पोर्शन है वहाँ पर पेटल आना चाहिए, तो वो देखते हुए हमें रख के स्टिक कर देना है। इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को तैयार कर देना है। जैसे ये है, ये रेड रोज, और यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से इसको एडजस्ट करते हुए हम स्टिक कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को तैयार कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सभी फ्लावर्स जो हैं वो रेडी कर देने हैं। ये हमने सभी फ्लावर्स को रेडी करके रखा हुआ है, ये देखिए सबको स्टिक करके रखा हुआ है, जो कि हम अपनी पेंटिंग के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें टिश्यू पेपर लगाना है अपने कार्डबोर्ड के ऊपर। उसके लिए हमें वाइट ग्लू और हाफ वाइट ग्लू हाफ पानी का लोशन मिक्सचर जो है वो रेडी कर देना है, और फिर इसकी मदद से हमें ये टिश्यू पेपर जो है वो लगाना है, ताकि साइड में फिनिशिंग आ जाए, आ सके हमारे पेंटिंग के चारों तरफ साइड्स में हमें इसको एडजस्ट करते हुए ये मिक्सचर के साथ इसको इस तरीके से फिर ये हमारा इस तरीके से टिश्यू पेपर को सारा स्टिक कर देना है पूरी पेंटिंग के ऊपर, पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से हमें स्टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से करते हुए हमें
पूरी पेंटिंग पर टिश्यू पेपर चिपका लेना है। इससे ये हमें फिनिशिंग देगा और उसका लुक जो है कार्डबोर्ड का वो भी चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें चारों तरफ हमें पेंटिंग के टिश्यू पेपर लगा देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको टिश्यू पेपर से पूरा कवर कर देना है, क्योंकि इसकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी, कार्डबोर्ड का मालूम नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ये बैक पोर्शन है जो कि हमने पूरा अच्छे से कवर कर दिया है टिश्यू पेपर से, लेकिन आगे जो है उसकी ज़रूरत नहीं है इतना टिश्यू पेपर, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह फ्लावर्स आ जाएंगे, तो इसलिए बैक पोर्शन जो है वो ज़रूरी है टिश्यू पेपर को कवर करने के लिए। तो ये हमने टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है, अभी ये गीला है, इसको सूखने देंगे, तो सूख जाए जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टिश्यू पेपर जो है वो ड्राई हो गया है, अभी हम नेक्स्ट काम फ्लावर लगाने का करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, तो यहाँ पर हम जो हमने रेडी किए हुए फ्लावर्स वो सब अरेंज करेंगे। उसको अरेंज आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें ग्लू गन से फ्लावर्स को चिपकाना है। सबसे पहले हम फ्लावर जो है वो कॉर्नर्स पे चिपकाएंगे, कॉर्नर्स में ग्लू गन से हम कॉर्नर्स पे फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें फ्लावर्स अरेंज करते जाना है, कैसे भी। अभी सेंटर में लगाएंगे हम, और इसके ये तीनों लगाने के बाद हम धीरे धीरे करके पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्ट किया है, कॉर्नर्स में लगाया, एक सेंटर में लगाया। अब इसके हिसाब से हम पूरी कंप्लीट कर देंगे पेंटिंग। ये देखिए, बीच बीच में ऐसे ही लगाते जाना है आपको, फ्लावर्स कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं। इसको कलर जो है उसको नहीं देखना आपको, खाली फिलिंग करनी है। और अगर आपको डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं तो आप उसको थोड़ा देखकर कि कहाँ पर क्या सूट करता है, उसके हिसाब से आपको फ्लावर्स को लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके पूरी स्पेस जो है वो फिल कर देनी है। आपकी स्पेस जो है वो कम नज़र आनी चाहिए, फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा नज़र आने चाहिए। और इसके हिसाब से हम धीरे धीरे करके ये फ्लावर्स जो है वो सब सेट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फ्लावर्स जो हैं अपने पेंटिंग के ऊपर अरेंज कर दिए हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये वैसे ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसको हमें बहुत ही आर्टिस्टिक लुक देना है, तो इसके लिए हमें इनके ऊपर पेंट करना होगा। तो अभी हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ब्राउन कलर लेना है, ये ब्राउन कलर है, और ब्राउन कलर लेकर इसको हम स्टार्ट करते हैं पेंट करना। सभी फ्लावर्स को हमें पेंट कर लेना है ब्राउन कलर से। तो इस तरीके से हमें सभी पर कलर लगा देना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फ्लावर्स को हमें ब्राउन कलर से कोट कर देना है। सबसे पहले हम प्लेन ब्राउन कलर करेंगे सभी कलर के, सभी फ्लावर्स के ऊपर इस तरीके से। जो नीचे स्पेस दिखाई दे रही है उसको भी हमें ब्राउन कलर कर देना है। कार्डबोर्ड की जो भी स्पेस हमें नजर आएगी नीचे, तो उसको भी हमें ब्राउन कलर से कोट कर देना है। तो अभी पूरा कलर से कोट करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे फ्लावर्स को ब्राउन कलर से कोट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इसे हमें विंटेज लुक देना है। तो हमें अभी नेक्स्ट जो है या ब्राउन कलर अच्छे से जब कोट हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का इफ़ेक्ट देना है। तो अभी हम ब्लैक कलर लेंगे, हल्का सा ब्लैक कलर ब्रश पे लगाएंगे और कहीं कहीं हमें थोड़ा सा टच देना है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर लेकर हमें थोड़ा सा इस तरीके से काला इफेक्ट देना है बीच बीच में से, थोड़ा शेडिंग की तरह हमें पूरे फ्लावर्स के ऊपर हल्का हल्का इफेक्ट देना है, ताकि इसकी जो है विंटेज लुक आ जाए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ब्लैक कलर से ब्राउन करने के बाद ब्लैक कलर से हल्का हल्का हमें ब्रश करना है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जो है ब्लैक का ज़रूर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पहले ब्लैक का इफेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद हम इसे गोल्ड का हाईलाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लुक आ गई है। हमारे वेस्ट पड़े हुए फ्लावर्स जो हैं उससे पेंटिंग जो है कितनी अच्छी पेंटिंग बन जाएगी। बस इस तरीके से हमें थोड़ा बहुत टच देकर इसे कंप्लीट कर देना है। बस ये हमारा ब्लैक कलर का इफेक्ट भी आ गया हमारी पेंटिंग के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का भी हल्का हल्का इफेक्ट आ गया। अभी हमें गोल्ड से इसको हाईलाइट करना है। तो अभी हम गोल्ड डस्ट लेंगे ये हमारा गोल्ड कलर है और ये है थिनर ब्रश लेंगे और हल्का सा हमें गोल्ड का डस्ट लेना है और इसमें थिनर मिक्स करके गोल्ड कलर, हमें गोल्ड कलर बनाना है। और गोल्ड कलर लेकर हमें इसको हल्का सा हाईलाइट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमें ब्लैक कलर का कोट किया उसके वैसे ही हमें गोल्ड का इसको हाईलाइट करना है।
गोल्ड से हाईलाइट करना है ताकि हमारी पेंटिंग जो है वो लाइवली लगे और विंटेज लुक आ जाए और बहुत ही उसका इफेक्ट जो है वो उभर कर आए। इस तरीके से हमें हाईलाइट कर देना है। ये गोल्ड कलर से हमें पूरा हाईलाइट कर देना है। आप इस पे ब्राउन्स कलर भी ले सकते हो। ब्राउन्स कलर का भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने पेंटिंग बनाई है पहले जो उसमें ब्राउन्स कलर का इफेक्ट दिया है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ब्राउन्स कलर से कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। और ये गोल्ड का अपना इफेक्ट है, तो जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। हाईलाइट में ब्राउन्स कलर अच्छा लगता है तो आप ब्राउन्स कलर कीजिए, नहीं तो ऐसे ही गोल्ड कलर का इफेक्ट अच्छा आता है। और गोल्ड कलर यूज़ करके भी आप हाईलाइट कर सकते हो अपनी पेंटिंग को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। और हमारे पुराने फ्लावर्स भी यूज़ हो गए और अच्छी पेंटिंग भी बन गई। और इससे हम अपना लिविंग रूम डेकोरेट कर सकते हैं। और अभी इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनी है, विंटेज लुक आई है। इस पे हमने गोल्ड से हाईलाइट किया है। एक मैं आपको दूसरी अपनी पेंटिंग बताती हूँ जिसमें हमने कॉपर से हाईलाइट किया है और इसमें डिफरेंट फ्लावर्स लगाए हैं और इसमें लीव्स को भी साथ में अटैच किया है। और इसकी लुक जो है वो भी बहुत अच्छी है और इसको हमने कॉपर से हाईलाइट किया है। तो आपका जो चॉइस है, आप किसी तरीके से इन दोनों में से हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा।